नमस्कार, बहुत स्वागत। और खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो गया है। त्रिवेणी संगम पर महानदी की भव्य आरती हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में अमरकंटक के आचार्य महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामाकृष्णानंद महाराज मौजूद रहे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, टंकराम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, रोहित साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साध्वी प्रज्ञा भारती विशेष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि राजिम कुंभ 8 मार्च तक चलेगा। ये पूजा अर्चना के साथ ही आज भव्य राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो चुका है। और देखिए कि महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज की उपस्थिति हुई है और यहाँ ब्राह्मणों के वैदिक मंचोपचार के साथ और साधु संतों के चरण पादुका पूजन के बाद ये मेला का शुभारंभ हुआ है। इस मेले की भव्यता आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ पर मौजूद है और आज साक्षी बना है राजिम। और राजिम में पहुंचे हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित, तमाम हजारों लोग आज साक्षी बने हैं। और ये देखिए कि महामंडलेश्वर के चरण पादुका पूजन के किया जा रहा है और तमाम लोगों जो साधु संत पहुंचे हैं उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और मेले में आप देखिए कि कुंभ में साक्षी बनने कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसकी भव्यता आप देखिए। और ये शानदार आगाज जो हो चुका है 8 मार्च महाशिवरात्रि तक जो है इस भव्य कुंभ का आगाज तक रहेगा। और ये हम तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह भव्य मंच पे आज जो है राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो गया है। न्यूज 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत